हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अब हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले यह जानेंगे सबसे पहले कि हमारी हिंदी भाषा के साथ साथ विश्व का भाषा परिवार क्या है और हिंदी भाषा कहाँ से निकलकर आई है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करें और पढ़ें विश्व का भाषा परिवार और हिंदी। आइए अब हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं विश्व का भाषा परिवार और हिंदी। तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो आइए इसे देखें, ये कौन कौन से हैं। तो यह है भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमिटिक, आग्नेय, बांटू, काकेशस, सुडानी, बुशमैन, जापानी कोरियाई, अमेरिकी रेड इंडियन, हेमेटिक और यूराल अल्टाइक। हिंदी जो है वह हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत एवं यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली होने के कारण इस भाषा वर्ग को भारोपीय कहा जाता है। इस परिवार की दो मुख्य शाखाएं मानी गई है। कौन कौन है वह? वह है सतम तथा केतुम। तो सतम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और केतुम के अंतर कौन कौन से आते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले केतुकम के अंदर कौन कौन है? तो वह है तुखारियन, कैलिटक, जर्मनिक, इटैलिक, ग्रीक, इलीरियन, ये हमारे केतुकम में सम्मिलित हैं। आगे जानेंगे सतम के अंतर्गत। तो सतम के अंतर्गत है भारत ईरानी, अल्बानियन, आर्मीनियन, वाल्टोस्लाविक, थेसो फिजियन। तो भारत ईरानी जो है यह एक आर्य शाखा भी है। अपने मूल स्थान से भारत ईरानी वर्ग के कुछ लोग ईरान चले गए और जो कुछ कश्मीर तथा आसपास में फैल गए थे, साथ ही साथ कुछ भारत के मैदानी भाग में आ गए थे। इस प्रकार भारत ईरानी की तीन शाखाएं हुई। कौन कौन से हैं वह? वह है भारतीय, दरद और ईरानी। भारतीय को दो भागों में बांटा गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अभी हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में चल रहे हैं। अब जानते हैं वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। तो इसका जो समय काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें वैदिक संस्कृति के तीन रूप मिलते हैं, उत्तरी, मध्यदेशी एवं पूर्वी। साथ ही लौकिक संस्कृति में उत्तरी रूप को प्रामाणिक माना गया है तथा पाणिनि ने इसे ही अष्टाध्यायी का आधार भी बनाया है। आगे जानेंगे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का विभाजन किस प्रकार हुआ है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के स्वरूप को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। इसी भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत वह भाषा है जिसका संस्कार नहीं किया जा सका है। इसी प्राकृत को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहली प्राकृत जिसे पाली कहा गया है, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत जिसे अपभ्रंश कहा गया है। अपभ्रंश क्या है? तो प्राकृत की तुलना में जिस भाषा का रूप बिगड़ा हुआ हो, जिसमें ध्वनि एवं व्याकरण के स्तर के परिवर्तन हो गए हों, उसे अपभ्रंश या अवहट्ट कहा गया है। आगे जानेंगे अपभ्रंश को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इसकी किस किस क्षेत्र में इसे बांटा गया है। तो जानते हैं सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमगधी, मगधी, केंकई, टक, ब्राचर और महाराष्ट्री। आगे विस्तार से जानेंगे इसके क्षेत्र और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं को। सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश, इसमें दो भाग में इसे बांटा गया है। सबसे पहला है गुजराती, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वह है खड़ी बोली, ब्रज, बांगर, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरा आता है हमारा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं जो है बांगर, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, हाड़ोती, मेवाती, मालवी और बांगड़ी है। पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो ये थे शौरसेनी अपभ्रंश के भाग। आगे जानेंगे अर्धमगधी अपभ्रंश के भाग को। तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी है जो अवधी, बधेली और छत्तीसगढ़ी इसका क्षेत्र है।
आगे है मगधी, तो इसका क्षेत्र है उड़िया, असमिया, बंगाली और बिहारी। बिहारी के अंतर्गत तीन प्रकार की भाषाएं होती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये हमारे थे हिंदी भाषा परिवार। आगे जानेंगे केंकई के अंतर्गत लहंदा, टक, पंजाबी, प्राचर, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। ये हमारे पूरे थे भाषा परिवार। हाय फ्रेंड्स, होप आपको हमारे एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें सो दैट आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड वीडियोस हमेशा सबसे पहले मिले। किसी भी फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर पोस्ट करें। ऑल द बेस्ट आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एंड स्टे ट्यून टू शॉर्टन अकेडमिक्स, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन एनी टाइम एंड एनीवेयर।